नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं विकास टेकरे आप सभी को पांच ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए भैया शुरुआत करते हैं। विकास टेकरे आप सभी को पांच ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए भैया शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पर आता है, जिस मोबाइल के दिन रात हम उसके साथ रहते हैं उस मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वचालित दूरभाष यंत्र, स्वचालित दूरभाष यंत्र। दूसरे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की ओर बढ़ते हैं, यह है क्रिकेट प्रेमियों के लिए। क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट का ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो क्रिकेट के इतिहास में पहली बार थर्ड एम्पायर द्वारा आउट हुआ था। जी हाँ, थर्ड एम्पायर द्वारा पहली बार आउट होने वाले खिलाड़ी हैं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को ही थर्ड एम्पायर द्वारा पहली बार आउट किया गया था। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर। जी हाँ, हम शर्ट पहनते हैं लेकिन हम क्या जानते हैं कि बटन का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में ही बटन का आविष्कार हुआ था। चौथा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यह है कि टी शर्ट का आविष्कार कब और क्यों हुआ था, इस बात को बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो दोस्तों सुनिए, टी शर्ट का आविष्कार वर्ष 1904 में हुआ था और इसका उद्देश्य यह था कि उस समय अविवाहितों को बटन लगाने में परेशानियाँ होती थी, इसीलिए टी शर्ट का आविष्कार किया गया था। और यह भी हो सकता है कि अविवाहितों की पहचान विवाहितों से अलग रखने के लिए टी शर्ट का आविष्कार हुआ था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। और हम आज जानते हैं पांचवा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आप सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय तिरंगे को अंतरिक्ष पर ले जाने वाले पहले कौन से व्यक्ति थे। तो वर्ष 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा लेकर गए थे रूस के अंतरिक्ष यान के साथ। इसमें चार अंतरिक्ष यात्री थे जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व भारत के राकेश शर्मा द्वारा किया गया था। आपको बता दूं, श्री राकेश शर्मा भारत के पहले पुरुष अंतरिक्ष यात्री थे और तिरंगा पहली बार श्री राकेश शर्मा के साथ गया था। जब उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा कि राकेश शर्मा आपको अंतरिक्ष से भारत कैसा लग रहा है, तब राकेश शर्मा का जवाब था, सारे जहां से अच्छा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमें कमेंट में बताएं। और अंत में रामायण के रचयिता महाकवि वाल्मीकि के कुछ शब्दों को कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति अपने पक्ष को छोड़कर दूसरे के पक्ष में मिल जाता है वह उस पक्ष के नष्ट होने पर खुद भी नष्ट हो जाता है। दोस्तों महाकवि वाल्मीकि की बात हमें इस तरफ इशारा करती है कि हमेशा अपने पक्ष को मजबूत रखें और अपने पक्ष में ही रहें। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों हमारे पास सुविधाओं का अभाव है और हमारा चैनल नया है, तो हमारा सहयोग करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और किस विषय पर हम आपकी मदद कर सकें वीडियो बनाकर हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, अलविदा।